बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपकी दोस्त और ब्यूटी कंसल्टेंट मुस्कान खान, और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल पर वेलकम करती हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि यूट्यूबर्स अपनी यूट्यूब इनकम जो है वो रिवील कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया कि मैंने यूट्यूब से क्या कमाया और क्या नहीं कमाया। लेकिन आज मैंने जब देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, बल्कि हर यूट्यूबर जो है वो अपनी यूट्यूब इनकम जो है वो रिवील कर रहा होता है, तो मैंने सोचा कि चले मैं भी आप लोगों को बताऊं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोग भी शायद इससे बूस्ट हों। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, लेकिन जब उनकी इनकम नहीं होती तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं और वो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को इसलिए ये सब कुछ बताना चाहती हूं ताकि अगर आप लोग भी चाहते हैं या सोच रहे हैं कि हम भी YouTube चैनल बनाएं और उससे घर बैठे अर्निंग करें, तो जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। जब आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई YouTube पैसे देता है, तो यकीनन आप बूस्ट अप भी होंगे और आपका दिल भी करेगा कि हम YouTube चैनल जो है वो बनाए। वैसे तो यूट्यूब की इनकम दिखाना या एक्यूरेट इनकम बताना जो है वो आई थिंक यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है, और आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल कोई इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं ऐसा कोई रिस्क लूं। लेकिन मैं आप लोगों को इतना जरूर बता दूंगी जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी यूट्यूब की इनकम कितनी है, क्योंकि इतने बड़े बड़े हिंट जो है वो मैं आप लोगों को दूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के आखिर तक इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बहुत सारी टिप्स बताती रहूंगी जिससे आप घर बैठे यूट्यूब चैनल बनाकर उससे बहुत ज्यादा अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है muskanKhan9593। तो जल्दी से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, क्योंकि मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पर अपडेट लगाती हूँ। जो मेरी फर्स्ट यूट्यूब की इनकम थी, उससे मैंने ये वाला मोबाइल जो है सैमसंग गैलेक्सी J7 जो है वो लिया था, जो आप लोगों के सामने है। और अगर आप लोग इसकी वीडियो देखना चाहेंगे तो ये भी मैंने यूट्यूब चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड की हुई है। आप मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये मेरी सबसे पहली यूट्यूब की इनकम थी जिससे मैंने ये मोबाइल खरीदा था, और ये डिस्काउंट में लगा हुआ था और इस पर आई थिंक 20% डिस्काउंट था। तो आप लोग मेरी वीडियो देख लें, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इसकी कीमत तब क्या थी। और ये सेल में लगा हुआ था और मैंने draz.pk से बाय किया था, तो ये भी बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा। लेकिन आजकल इसकी स्टोरेज जो है वो कम हो गई थी। तो इसके बाद जो मेरी यूट्यूब की इनकम आती रही है, उससे भी मैं बहुत सारी चीजें खरीदती रही हूँ। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ एक रिंग लाइट जो है वो की थी, उसकी भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगी, आप लोग क्लिक करके देख लें। मैंने मोबाइल खरीदे हैं, तो इनसे आप अंदाजा लगाएं कि मेरी यूट्यूब की इनकम जो है वो कितनी होगी। और अभी जो मैंने लास्ट में जो मैंने मोबाइल खरीदा है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, तो फिर वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरी यूट्यूब की इनकम जो है वो कितनी है। इसके अलावा जो मेरी यूट्यूब की इनकम आती रहती है, मैं उसे संभाल कर रखती हूँ। मैं कभी भी किसी और काम पर उसको सरफ नहीं करती, बल्कि अपने बैंक अकाउंट में रखती हूं। और जब मुझे छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती है जो कि यूट्यूब से रिलेटेड होते हैं, तो मैं वो निकाल कर पैसे उनसे वो बाय कर लेती हूं। तो इसके अलावा मैंने बोया M1 माइक खरीदा, उसकी भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बूस्ट करती हैं, और जब आप ज्यादा चीजें लेते हैं और अपने स्टूडियो को जो है वो अप टू डेट करते रहते हैं, तो यकीनन आपका काम भी अच्छा होता है और फिर आप पहले से भी ज्यादा अच्छा काम करते हैं और लोग आपके काम को सराहते हैं। फर्ज करें कि अगर हमारी ऑडियो ठीक नहीं है, तो फिर अगर हम बोया M1 माइक ले लेते हैं और अपनी ऑडियो को ठीक कर लेते हैं, तो जाहिर बात है अगर हमारे पहले सब्सक्राइबर जो थे, अगर उनको कोई शिकायत होती है कि आपकी आवाज जो है वो क्रिस्पी नहीं है, तो फिर वो हमारी आवाज चूंकि ठीक हो चुकी होती है, तो इसलिए वो उनको इरिटेट नहीं करती और हमें उसका बहुत ज्यादा जो है वो एडवांटेज होता है। तो इसी तरह अग,
अगर ट्राईपॉड है, अगर ट्राईपॉड नहीं है तो जारी बात है जब आप वीडियोस बनाएंगे, वैसे तो बहुत सारे जुगाड़ हैं, बहुत सारे जुगाड़ मैंने आपको दिखाए भी हुए जो कि मैंने भी अपनी यूट्यूब जर्नी में किए हैं, लेकिन यह है कि उसमें कोई ना कोई नुक्स जो है वो रह जाता है, कभी आपकी वीडियो जो है वो शेकी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, वो चीज नहीं बनती जो आप ट्राईपॉड पर बनाना चाहते हैं। तो फिर मैंने एक ट्राईपॉड भी खरीदा, तो चूंकि बाज़ औक़ात मैं इसलिए ये सारी चीजें नहीं खरीद रही थी कि मुझे, मैंने आप लोगों के साथ अपना वो ट्यूटोरियल भी शेयर किया हुआ है कि मैं बीमार थी जिसकी वजह से मैं इस जर्नी को जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, यूट्यूब जर्नी को, तो इसलिए फिर मैं चीजें नहीं लेती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं क्विट कर जाऊं और ये सारा कुछ जो है वो बेकार जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह पाक ने मुझे सेहत दी और क्योंकि मेरे पास YouTube के पैसे भी पड़े हुए थे तो मैंने फिर वन बाय वन करके चीजें लेना शुरू कर दी। और इसके अलावा जो है और भी छोटी मोटी चीजें जो है वो मैं लेती रहती हूँ, क्योंकि आपको पता है कभी कुछ शीट लेनी पड़ जाती है टेबल पर बिछाने के लिए, कभी रेमेडीज बनाने के लिए कुछ बर्तन लेने पड़ जाते हैं, कभी कुछ लेना पड़ जाता है, कभी कोई डेकोरेशन के लिए चीजें लेनी पड़ जाती है, जिस तरह ये फ्लावर्स पॉट वगैरह होते हैं और इस तरह फ्लावर्स पॉट वगैरह ले लेते हैं या कोई और चीजें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम सब्सक्राइबर पर भी अल्लाह के फजल से मुझे बहुत ज्यादा जो है वो इनकम होती है, इतनी इनकम बहुत ज्यादा से मेरी मुराद ये नहीं है कि बहुत ही छप्पर फाड़ कर इनकम होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हो जाती है कि एक मोबाइल जो है वो बंदा खरीद लेता है। तो दूसरे ये कि ये बहुत जल्दी आपको इनकम होना शुरू नहीं होती बल्कि एक टाइम पीरियड होता है, 4000 आवर्स वॉच टाइम हो जाता है और 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जबकि हमारी दफा ये सब कुछ नहीं था, बस ये है कि 20-25 वीडियोस डाल दी तो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता था, क्योंकि कंटेंट इज अ किंग, अगर आपका कंटेंट बहुत जबरदस्त है तो फिर आपका चैनल जो है बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाता है। आपको यहां पर 2 साल भी लग सकते हैं, आपको 3 साल भी लग सकते हैं, आपको 4 साल भी लग सकते हैं, लेकिन पैसे जरूर आने हैं इंशाल्लाह, पैसे जरूर आने, पैसे के पीछे मत भागे, अपने पैशन के पीछे भागे। अगर आपका बहुत ज्यादा पैशन है, आपको पता है कि मुझे पैसे ना भी मिलेंगे तो मुझे एक फेम मिल रहा है, या मैं जो अपना कंटेंट लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो बात अपनी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, वो भी लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक पहुंच रही है, तो फिर आपको कोई चीज जो है वो इस बात से नहीं रोकेगी, क्योंकि आपका दिमाग इस तरफ जाएगा ही नहीं कि मुझे पैसे जो है वो लगाने पड़ रहे हैं। पहले तो जाहिर बात है आपको जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और आप बहुत ज्यादा पैसे ना खर्च करें, जिस तरह हम जुगाड़ काम करते रहे हैं आप भी जुगाड़ी काम करें, कोई ट्राईपॉड लेने की जरूरत नहीं, एक मोबाइल होना चाहिए, और जब आपके पास एक मोबाइल होगा तो फिर आप जाहिर बात है सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो शूट करना असल मकसद होता है, और वॉइस के लिए तो बहुत ही आसान है क्योंकि वो बाहर भी जा सकते हैं, अपने बहुत सारे जो दोस्त हैं उनको अपने साथ मिला सकते हैं। और मैं आप लोगों को अगर बताऊं कि मेरे साथ कोई भी हेल्प करने वाला नहीं होता, मैं बिल्कुल अकेली हूं और कोई नहीं ऐसा बंदा होता कि मेरे साथ वीडियो तक भी शूट करे, तो इस तरह मैं अकेले ही काम करती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मैंने सबर का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ा, मेरा पैशन था और मैं इसको लेकर चली हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनकम भी होती है, खुशी भी होती है, और फिर मेरा ज्यादा पहले से भी ज्यादा मोटिवेट होती हूँ तो ज्यादा काम करने को दिल करता है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह से अपना पैशन दिखाएंगे, इसी तरह से मोटिवेट होंगे। आखिरी जो मैंने मोबाइल अभी पिछले महीने खरीदा है, आई थिंक मैंने नवंबर में खरीदा है, तो नवंबर में मेरी इनकम कितनी थी, उस वो वीडियो का लिंक जो है वो मैंने खरीदा है सैमसंग A21S। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे सैमसंग A21S की प्राइस क्या है, और उसकी उस पर भी चूंकि मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, तो आप लोग जाएं मेरी वीडियो देखें और उसमें मैंने बताया हुआ है कि उसकी कितनी प्राइस है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कितने पैसे यूट्यूब से जो है वो मिलते हैं। यूट्यूब की जो अर्निंग थी वो मैंने आप लोगों को 100% सही बताई है कि मुझे क्या मिलती है, कोई फ्रॉड नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आप मोटिवेट भी बहुत ज्यादा हुए होंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो प्लीज जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और इंशाल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।